तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RNS Education News में। दोस्तों, सरकारी नौकरी की तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें RNS Education News YouTube चैनल को, सब्सक्राइब बटन को दबाएं, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि कोई भी लेटेस्ट गवर्नमेंट नौकरी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और नई भर्ती की जानकारी जो निकल रही है ITBP में, यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स ITBP की वैकेंसी है। तो संपूर्ण डिटेल्स का ये वीडियो आप सबके लिए रहने वाला है। वैकेंसी का नाम है कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट। तो कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट की ये वैकेंसी है और टोटल वैकेंसीज की संख्या आप देख सकते हैं यहाँ पे 85 है, यानी कि 72 वैकेंसी मिल रही हैं पुरुषों को और 13 वैकेंसी महिलाओं को। टोटल वैकेंसी 85 ऑल इंडिया वैकेंसी है। देश के कहीं से भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और एज इसमें क्या रहने वाली है, तो एज रहेगी आपकी 18 से लेकर 25 साल, ठीक है। इसके अलावा जो कैटेगरीज हैं रिजर्व कैटेगरी उनको छूट दी जा रही। वेतनमान यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, 21,700 से लेके 69,100 के बीच रहेगा। एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है, तो 100 रुपये आपको इसमें मात्र शुल्क देना है, ठीक है। इसके अलावा फीमेल्स एक्स सर्विस मैन यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। SC ST को भी कोई यहाँ पे परीक्षा शुल्क नहीं देना है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री है। अब आपको आवेदन कैसे करना है, तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना है ITBP की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के, recruitment.itbppolice.nic.in पे आवेदन शुरू हो चुके हैं इसके 13 अक्टूबर से। लास्ट डेट रहेगी इसकी 13 नवंबर 2018। तो उससे पहले पहले आपको इसमें आवेदन करना है। अब आपके लिए इसमें योग्यता क्या रहेगी, तो दोस्तों योग्यता के बारे में मैं बता दूं, इसमें आपको मैंने ITBP की ऑफिशियल वेबसाइट से आप सबके लिए जानकारी जुटाई है। एनिमल ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल, तो एनिमल ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल के लिए आपकी एज भी देख सकते हैं आप यहाँ पे 18 से 25, और जो आपकी योग्यता है मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि 10वीं पास ये वैकेंसी है, 10वीं पास हैं तो आप इसमें आसानी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो योग्यता हो चुकी है और लास्ट डेट ज़रूर याद रखें 13 नवंबर से पहले पहले, और 100 रुपये का इसमें फ़ीस आपकी लगेगी। डिस्क्रिप्शन में आपको ये पूरी की पूरी PDF फाइल मिल जाएगी। अगर इसके अलावा अगर आप इसका फिजिकल स्टैंडर्ड देखना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 1600 मीटर की रेस 7 मिनट 30 सेकेंड में कम्प्लीट करनी है। 11 फीट का यहाँ पे लॉन्ग जंप, 3 चांस दिए जाएंगे, 3.5 फीट का आपको हाई जंप, ठीक है। और महिलाओं के लिए 800 मीटर की रेस 4 मिनट और 45 सेकंड में। तो ये फिजिकल का मेजरमेंट है। 9 फीट की यहाँ पे महिलाओं को लॉन्ग जंप करनी होगी और 3 फीट का हाई जंप। तो ये आपका फिजिकल का प्रोसीजर है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, साथ इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।